तो आओ तो ये मैं इन्होंने चढ़ाया है, ये शराब का प्रसाद भोग इन्होंने चढ़ाया है। अब ये प्रसाद है। प्रणाम किए, जल्दी हो, हमसे तो बात भी नहीं किए, बात किए। घुटने हैं ये दोनों, कलर बोन है, फेफड़ा है, अच्छा। स्पाइन कोड है, अच्छा। तिबिया बोन है, ओके। सब टूटे हुए हैं, सब ऑपरेटेड है। अच्छा। लेकिन जब से बाबा के दरबार में आना लग गया, जब से मैं एकदम सुखी हूँ। हम जो है इसी को लेते हैं, हाँ। यहाँ करके तो पूरा साल हम और नहीं लेते, हाँ। आप नहीं लिख पर लेंगे, ओके, ओके, और ये यार एक दो बार यहाँ आएंगे तो वही प्रचार के तौर पर लेंगे, ले लिया। दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर जो बाकी आम मंदिरों से बिल्कुल अलग है, और एक ऐसा मंदिर जहां आम मंदिरों से अलग भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। जी हां, ऐसे ही एक खास मंदिर में मैं इस वक्त आई हुई हूं, जो कि है किलकारी भैरवनाथ मंदिर। इस परिसर में दो मंदिर हैं, एक किलकारी भैरवनाथ और दूसरा दूधिया भैरवनाथ। अब दोनों में क्या अंतर है और ये मंदिर बाकी मंदिरों से कैसे अलग है, ये आपको बताती हूँ। यहाँ शराब का भोग लगाया जाता है और वही यहाँ मौजूद लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। ऐसा क्यों है? तो ये मंदिर मुझे बिल्कुल अलग, बिल्कुल खास लगा, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। चलिए सबसे पहले आपको इस मंदिर के दर्शन कराऊंगी, इसका इतिहास बताऊंगी, बताऊंगी किसने इसका निर्माण कराया, कितना पुराना ये मंदिर है, और साथ ही आपको बताऊंगी कि इस तरह का भोग लगाने के पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे की मान्यता क्या है। तो चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं और सबसे पहले दर्शन करते हैं। कालीन ये मंदिर छोटा है, प्राचीन है, लेकिन खूबसूरत है। हालांकि इसको और ज़्यादा रंग रोगन की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। जितनी प्रसिद्धि है इस मंदिर को लेकर, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसकी खूबसूरती नहीं है। इसकी एक तरफ की ये जो दीवार आपको दिखाऊंगी मेरे पीछे, ये पुराना किला से लगा हुआ है। इसके ठीक पीछे पुराना किला है, और वहाँ से अगर आप पुराना किला भी घूमने आते हैं तो वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है जहाँ की आप आ सकते हैं। मेरे पीछे ये प्रवेश द्वार आपको दिखाना चाहूँगी। प्रवेश द्वार इसका जो है वो खूबसूरती से बनाया गया है, लेकिन फिर भी जब अंदर हम आते हैं तो जिस तरह से इस मंदिर की बनावट है तो देखकर लगता नहीं कि यहाँ कोई मंदिर है। इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, लोगों का आना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रगति मैदान में पुराने किले के पीछे एक अनोखा मंदिर स्थित है, जिसे लेकर लोगों में हमेशा से कौतूहल रहा है, और दूर दूर से भक्त यहां अपने मन में उठ रहे सवालों को लेकर आते हैं। भैरव मंदिर दिल्ली का एक अनूठा हिंदू मंदिर, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था। मंदिर के बारे में एक अनोखी और दिलचस्प बात यह है कि भक्त देवता को शराब चढ़ाते हैं, और देश भर के सामान्य मंदिरों के उलट इसके विधि विधान देखने को मिलते हैं। किलकारी भैरव मंदिर दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। माना जाता है कि ये मंदिर पांडवों में से एक भीम द्वारा बनाया गया था। भैरव को भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, तो कुछ धार्मिक मान्यताएं इन्हें भगवान शिव का गण बताती हैं। ये मंदिर बहुत पुराना होने के कारण दिल्ली शहर की प्राचीन विरासतों में से एक महत्वपूर्ण विरासत है। मंदिर में खासकर रविवार को भक्त बड़ी संख्या में भगवान भैरव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली नजर आती है, और मंदिर के मुख्य द्वार पर भैरवनाथ के सवारी श्वान यानी कुत्ते की प्रतिमा भी स्थापित की गई है।
भैरव मंदिर दिल्ली में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्त देवता को शराब की पेशकश करते हैं और फिर स्थानीय लोगों को यही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप मंदिर में पूजा करके जा रहे हैं, तो यहाँ इस मंदिर में बाकी मंदिरों से अलग क्या है, क्यों यहाँ पर शराब का भोग लगाया जाता है, आपको इस बारे में कोई जानकारी? ये भगवान का, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, भैरव बाबा का हम लोग मानते हैं। हाँ। विश्वकर्मा भगवान का पूजा होता है। हाँ। हम लोग ड्राइवर आदमी हैं। ओके ओके, आप विश्वकर्मा का पूजा करते हैं। तो आपने भी ये चढ़ाया है? हाँ, चढ़ाया है। तो ये प्रसाद है, मैं एक बार लेके देख सकती हूँ? हाँ, देखिए ये प्रसाद है। आप अपना नाम बताइए। हरे राम पांडे नाम है। हरे राम पांडे जी, मैं भी पांडे हूँ, श्वेता जया पांडे मेरा नाम है। तो इन्होंने ये भोग चढ़ाया है। संजीव राज ट्रांसपोर्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका विज्ञापन भी हो गया भगवान के परिसर में। हम लोग जब टाइम, क्योंकि संडे को मंदिर बंद रह रहा है। अच्छा अच्छा, मंदिर के भैरव बाबा से दर्शन नहीं होते तो हम बाहर जाने नहीं आते। अच्छा अच्छा, इसलिए हम बुधवार को आए। अच्छा, ये मंदिर इनको दर्शन ना तो हो, ये इन्होंने चढ़ाया है, ये शराब का प्रसाद भोग इन्होंने चढ़ाया है। अब ये प्रसाद है, फूल माला भी इन्होंने चढ़ाया है। अभी गाड़ी नई गाड़ी लिए हैं। पार्किंग में खड़ी कर रखी, उसी मौके पर ये चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई पहले तो। और ये क्यों चढ़ाया जाता है, कुछ जानकारी? आप प्रसाद लीजिए, आप ग्रहण कीजिएगा, मैं तो नहीं लेती इसलिए दूर से प्रणाम। बांटने का चीज है, बांटने का प्रसाद। तो यार हम बांट देंगे, अभी गाड़ी पूजा करेंगे तब लड्डू सब है सब इसमें। अच्छा, गाड़ी की भी पूजा करेंगे, लड्डू भी है, गाड़ी का लड्डू, घी का लड्डू है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, सब कुछ है, प्रसाद है, पार्किंग में सब दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, आऊंगी मैं, लड्डू ले लूंगी। हाँ। वो तो नहीं लेती तो मैं लड्डू ले लूंगी। बहुत बहुत बधाई गाड़ी के लिए। भगवान में आस्था जो आपकी है वो बताइए। इनके सहारे हम लोग चलते हैं, इनके विश्वास से चलते हैं, सहारा रहता है। अच्छा, अरे देवना तो मानो नहीं तो पत्थर। सही बात है। हाँ, जो बाकी लोग चढ़ाते हैं आप चढ़ाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, बस। हाँ, प्रसाद बांट, प्रणाम किए, चल दियो, हमसे तो बात भी नहीं किए। बात किए, भगवान किसी से बात करते थोड़े ना। वही बात। बहुत बहुत बधाई नई गाड़ी के लिए। गाड़ी मालिक है। गाड़ी के आप मालिक हैं। आपका क्या नाम है? पिंटू जी। तो आपकी ये गाड़ी है, आपकी ये ड्राइवर है, आप लोग यहाँ पर भोग चढ़ाने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे, अब गाड़ी की पूजा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भी। ठीक है, जाइए आप लोग, गाड़ी की पूजा कीजिए। बिल्कुल आऊंगी मैं, लड्डू खाऊंगी, आप पहले पूजा कर लीजिए। तो आपने देखा कि इस तरह से लोग लेकर के आते हैं वाइन या जो भी उनको खरीदने का मन करे, और वो पहले भोग चढ़ाते हैं, वो जब प्रसाद हो जाता है तो वो दूसरों को भी वितरित करते हैं, खुद भी उस प्रसाद को लेते हैं। नाम है आपका? मैं डॉक्टर दिनेश। डॉक्टर साहब, आप जैसे दर्शन के लिए आए हैं, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ सुना है आपने और क्या पहली बार आए हैं? हम तो कई बार आते रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? हाँ हाँ, मैं पांडव नगर में रहता हूँ, अक्षरधाम। अच्छा, के सामने। तब तो आप इस मंदिर के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या मान्यता है? अनंत कृपा है बाबा की, इनके बारे में जो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा वो भी कुछ नहीं जानता। अच्छा, ये पांडव कालीन है। हाँ हाँ, पांडव जब यहाँ मतलब अज्ञातवास के लिए आए थे, इंद्रप्रस्थ जब बसाया था उसमें माँ कुंती ने इनको यहाँ विराजित किया था। ओके, तब से इनकी पूजा पाठ चलती रही है। सच्चे मन से जिसने भी धाया है यहाँ पर उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ, मेरे शरीर का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो बराबर हो। ओह गॉड, आप ये देखिए, यहाँ भी कट देख दीजिए। हाँ, दोनों घुटने हैं, ये दोनों कॉलर बोन है, फेफड़ा है, स्पाइन कॉर्ड है, ये टिबिया बोन है, सब टूटे हुए हैं, सब ऑपरेटेड है। अच्छा। लेकिन जब से बाबा के दरबार में आने लग गया, जब से मैं एकदम सुखी हूँ। और हाँ, अब अपना जो कर्ज में डूब रहे थे, बाबा की कृपा रही, बाबा की मेहर रही, मैं अपना मकान भी छोटा सा एक ले लिया है, अपना मकान बनवा रहा हूँ। अच्छा। और 2009 से मेरा अब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाना बुरा नहीं है। और ले के लोग, लेकिन जो बाहर ये दारू पी पी कर टू लोग नाटक करते हैं, जो ये बांटते भी हैं बाहर, मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि बच्चे भी घूमते हैं। प्रसाद प्रसाद होता है। हाँ, जो भी देख रहे हूँ उनसे एक ही संदेश है मेरा कि आप भी आइए आस्था के साथ। घूमने के देर से आना हो तो नहीं आइए, आस्था के साथ आइए, अपनी मुरादें मांगिए। और देखिए, महीना 31 दिन भी नहीं होगा, आपकी मुराद बाबा जरूर पूरा करेगा। जय महा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से जो भक्त हैं वो आते हैं पूरी आस्था के साथ, मनोकामना उनकी पूरी होती है तो उसके बाद वो दर्शन के लिए हमेशा ही आने लगते हैं। उसी में से एक ये डॉक्टर साहब जो कि हमें मिले थे। चलिए कुछ और भक्तों से भी बातचीत करते हैं।
साथ में है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मेहरोजा। तो राजेश जी, आप भी हमेशा आते होंगे जब निर्मला जी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। तो आपको क्या लगता है बाकी मंदिरों से इसमें जो चीज़ें अलग देखने को मिली, जैसे मैं अभी आई तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अलग देखने को मिली, जो भोग चढ़ाया जाता है उसको लेकर के आप क्या जानकारी कुछ देना चाहेंगे? भोग तो मैडम ऐसा है कि ये परंपरा है बहुत पुरानी, तो चलता रहा। अभी ये मंदिर बताते हैं कि पांडवों के टाइम से भीम ने बनवाया था। बिल्कुल, तो उस टाइम से ये परंपरा है, तो वही परंपरा चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ रिसर्च मैंने यहाँ आने से पहले किया तो उसमें ये दिखा कि जिस तरह से शिव हैं, शिव के ये गण हैं या अंशावतार माने जाते हैं, तो मुझे ये पढ़ने को मिला कि जो पौराणिक हमारे ग्रंथ हैं उसमें ये है कि अपनी अपने व्यसनों को, जैसे शिव जी ने जिस तरह से विष पान किया, तो उस तरह से जो भी हमारे व्यसन हैं उनको दूर करने के लिए वो चढ़ा के उनसे प्रतिज्ञा ली जाती है कि आगे मैं ये चीज़ अब ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक प्रतिज्ञा के तौर पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, जबकि महंत ये बताते हैं। नहीं, जानकारी है मैडम उसमें, ऐसा जैसा आप ये बता रहे हो इस तरह की जो है और भी मान्यता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उनको पसंद है इसलिए चढ़ाते हैं। पसंद नहीं, जैसे कि बुराई को मारने के लिए आदमी को बुरा बनना पड़ता है। अब जैसे हम आजकल मूवीज में देखते हैं, वो जो इंस्पेक्टर है उसको पहले अंदर एंटर करेगा फिर वहां जाके पकड़ेगा लोग, इस तरह खेलते हैं। तो ऐसी भी इस तरह की है मान्यता है, अलग अलग मान्यता है अपने मान्य। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी सही है क्या गलत है, ये भी नहीं पता कि सही कौन सी है, सही कौन है, वास्तविकता क्या है। करते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पे ये प्रसाद चला रहे हैं तो हम ऐसे ही बोए, ऐसा नहीं है। हम जो है इसी को लेते हैं बस, यहाँ करके तो पूरा साल हम और नहीं लेते, और फिर नहीं लिक्विड लेंगे। ओके ओके। और ये है, ये दोबारा यहाँ आएंगे तो वही प्रसाद के तौर पर लेंगे। ले लिया बस। भगवान भैरव को सिद्धियों के भंडार के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ही यहाँ पर पांडव भीम आए थे और उन्होंने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ही यहाँ पर भैरवनाथ की आराधना की थी, पूजा की थी। यहाँ पर कई तांत्रिक आज भी सिद्धि प्राप्ति के ही उद्देश्य से आते हैं और वो यहाँ पर सिद्धि प्राप्ति करते हैं। उसकी अलग अलग विधियाँ जो कि वो यहाँ पर कई दिनों तक रुक के भी करते हैं और उस वजह से भी ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के महंत बताते हैं कि यहाँ पर शराब भोग के रूप में चढ़ाने की भी एक अद्भुत और प्राचीन कहानी है। कहानी ये है कि अपने व्यसनों को दूर करने के लिए ऐसा कहा गया कि आप भगवान भैरव को, जो कि उग्र अवतार माने जाते हैं, उग्र अंशावतार माने जाते हैं भगवान भोलेनाथ को, उनको आप अर्पित करें और उसके बाद उसे आखिरी बूंद मानकर उन्हें अर्पित करें और आप शराब छोड़ दें या अपने व्यसनों को त्याग दें। इस मंशा से चढ़ाने की इस परंपरा की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल बदलता चला गया। लोगों में उस परंपरा को लेकर के एक अलग ही मान्यता, अलग ही आस्था शुरू हो गई और वो ये मानने लगे कि भगवान भैरव को ये पसंद है इसलिए ये चढ़ाना है और उनके प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करना है। जबकि यहाँ के महंत और बाकी कुछ धार्मिक ग्रंथों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज़ के बारे में इस तरह की जानकारी है कि व्यसनों को त्यागने के लिए ये उन पर अर्पित किया जाता है और उनके सामने ये शपथ ग्रहण किया जाता है कि आज के बाद मैं इसका सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। मेरे पीछे दिल्ली पुलिस का ये बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर आप साफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शराब बांटना सख्त मना है और ये प्रशासन की तरफ से ये निर्देश है। इसके बावजूद भी जो लोग यहाँ अंदर भोग लगाने के लिए आते हैं वो यहाँ बाहर खड़े लोगों को ये बांटते हैं और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सख्ती है, वो मना भी करते हैं, फिर भी बहुत बार लोग आस्था भक्ति इन सब का हवाला देकर इस तरह के काम को करते हैं। मैं उन सब लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि आप इस तरह का काम ना करें, क्योंकि यहाँ पूरे परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, मासूम बच्चे भी हैं बाहर, मैंने देखा बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो कि भीख मांग रही हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए कम से कम हमें इस तरह के काम से बचना चाहिए। आप अगर कुछ भोग लगा भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर वितरित करें और इस तरह से आप नियमों का भी उल्लंघन करें। श्वान यानी कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना गया है और इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर मूर्ति भी स्थापित है श्वान की और यहाँ मंदिर परिसर में भी काफ़ी नज़र आते हैं। जैसे ये देखिए मेरे पीछे
हर तरफ जिधर आप जाएंगे इधर काफ़ी संख्या में आपको श्वान मिलेंगे, और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे इस परिसर में तो आपको यहाँ पर काफ़ी कौवे भी मिलेंगे और उनको भी प्रसाद हमेशा बांटा जाता है। यहाँ अगर आप आना चाहते हैं, अभी तक नहीं आए हैं, इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेट्रो से आएँ तो सबसे आसानी है, और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान का भी है और इंद्रप्रस्थ का मेट्रो स्टेशन भी है। वहाँ से आप उतर के अगर आप शेयरिंग ऑटो से आते हैं तो 20 रुपये में आ जाएंगे, अगर आप बुक करके आना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपये आपको लगेंगे, आप आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, पार्किंग इसकी अच्छी है, आप पार्किंग में गाड़ी लगा सकते हैं, वहाँ 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको पार्किंग चार्ज देना होगा और वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आप यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप सिनेमा जगत की हसीन दुनिया की अनसुनी कहानियां और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें की सैर जरूर कीजिएगा, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको इसका कंटेंट और प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। इस नए चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आपकी कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।